हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आधार कार्ड जो है ना 4x6 के पेज के ऊपर हाई क्वालिटी के अंदर प्रिंट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद फाइल पर क्लिक करते हैं, ओपन कर लेते हैं वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। पहले हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको बता देते ये आधार कार्ड है हमारा सिंपल के तौर पर। अभी हम इसका साइज सही तरीके से सेट करेंगे और 4x6 के पेज के ऊपर हाई रेजोल्यूशन के अंदर, हाई क्वालिटी के अंदर हम इसका प्रिंट आउट लेकर आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट तो सिलेक्ट करना है और पेज में बता देता हूँ। पेज लेने के लिए फाइल पर क्लिक करते हैं, न्यू पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम 4x6 के पेज को सिलेक्ट कर लेंगे और सेंटीमीटर कर देंगे इस तरीके से। अब देखते रहना और इसका रेजोल्यूशन हर दफा पे 300 रहना चाहिए। और ये पेज है, अब ये पेज के ऊपर ये डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सेट करने से पहले आपको कस्टम पेज लेना पड़ेगा। कस्टम पेज के ऊपर साइज बनाना पड़ेगा जो आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट का है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है हमारा और ये पेज है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले लेंगे तो साइज नहीं बनेगा, सही तरीके से प्रिंट नहीं होगा। सबसे पहले आपको कस्टम पेज लेना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फाइल पर आना है, फिर न्यू पर क्लिक करते कस्टम पेज पर आना है। जैसे पहले ही कस्टम पेज है, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, कस्टम पेज यहाँ पर रहता है और यहाँ पर पिक्सल है, इसे सेंटीमीटर कर दें और यहाँ पर विथ के अंदर 8.5 टाइप कर दे और हाइट के अंदर 5.5 टाइप कर दे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेजुलेशन में हर दफा आपको 300 ही रखना है और ओके कर देना। ये आधार कार्ड का साइज का जो पेज है ना, कस्टम पेज जिसे हम कहते हैं, वो बन गया है। ये साइज है ना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान, ई श्रम, ये सबके लिए उपयोग में आता है। अभी हमको ये जो हमारा आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट है, इसको हमें कस्टम पेज के ऊपर ले जाना है। तो सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट टूल पर आते हैं और इस डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। माउस के लेफ्ट आरो की मदद से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर ले सही तरीके से। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, पेज थोड़ा सा मैक्सिमाइज हो जाता है। फिर मूव टूल पर क्लिक करते माउस के लेफ्ट आरो की मदद से यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। आपको बता देता हूं, मैं जूम करके, इस तरीके से हमारा पेज आ गया। अब इसका साइज बहुत छोटा नजर आ रहा है और ये पेज का बहुत बड़ा। तो अब इस आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज बढ़ाने के लिए Ctrl+T प्रेस करेंगे, इसका साइज ऑटोमेटिकली आपके सामने बढ़ जाएगा। अब माउस से इसका साइज आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। Ctrl+T ट्रांसफार्म होता है इस तरीके से। फिर इसे रोटेट करना है तो आप कहां पर भी इस तरीके से, मेरा माउस कहां पर है आप देख लेना, इस तरीके से आप थोड़ा रोटेट करेंगे तो आपका पेज रोटेट हो जाता है। और इसे आप यहाँ पर एडजस्ट कर ले बड़ी आसानी के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर हमारा तो डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हो रहा, दूसरा एक सोल्यूशन है, इस Ctrl+T पर ही प्रेस रहना है। कंट्रोल पर प्रेस करके रखना है एक फिंगर को और यहाँ पर जो एरो बन रहा है आइकन, यहाँ से आपको इस तरीके से ड्रॉप करना है। जो यहाँ पर एंगल है हमारे जो आधार कार्ड के फोर, वहां पर उसको पेज के पूरी तरीके से सेट कर देना है। बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं, कम समय के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये एंगल का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से और इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से और ये थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं ताकि सही नजर आए हमारा डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आप कम समय के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ की बात करें, इस तरीके से जो एरो बन रहा है ना एंगल, वहां से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमारा डॉक्यूमेंट सही तरीके से सेट हुआ नहीं, देखने के लिए यहाँ पर मूव टूल पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे। अभी डॉक्यूमेंट हमारा कैसे नजर आ रहा, पहले तो ब्लर है, अभी ठीक नजर आ रहा। अभी इसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं बहुत कम समय के अंदर। अगर आप इसमें और कुछ एडिट करना चाहते तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है अभी हमारा, इसको सही तरीके से बन गया। अब ये पेज के ऊपर सेट करना है, सेलेक्ट टूल पर आते हैं, इस डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट होने के बाद मूव टूल पर क्लिक करेंगे और फिर माउस के लेफ्ट आरो की मदद से इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप होने के बाद एडिट पर आते हैं, इसको स्टॉक लगा देते हैं 5 पिक्सल के अंदर। अभी हमारा ये तो डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से सेट हो गया है। अभी सेकंड बैक साइड वाला लेने के लिए यहाँ से इसे थोड़ा सा हटा देते हैं और फाइल मेनू पर आते, ओपन पर आते, बैक साइड जो आधार कार्ड का है उसे हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, अभी हमें इस पेज के ऊपर लेना है। मैं इसे बता देता हूँ आपको, इस तरीके से हमारा ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है।
तो हमें उस पेज के ऊपर लेने से पहले जो पहले का प्रोसेस है जो कस्टम पेज वाला वही फॉलो करना पड़ेगा। न्यू पेज पर आते, कस्टम पर आते, यहाँ पर सेंटीमीटर कर देते हैं और यहाँ पर विड्थ के अंदर 8.5 और हाइट के अंदर 5.5, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले और रेजोल्यूशन 300 रखना है, फिर ओके कर देना है। प्रोसेस पहले की तरह रहेगा, जो फ्रंट साइज में जो आधार कार्ड का हमने सेट किया है उसी तरीके से हम बैक साइड का भी यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। इसे हम सेलेक्ट टूल की मदद से सेलेक्ट कर लेंगे बहुत आसानी से। आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा यार, पर बहुत आसान, और इसकी जरूरत हमें हर बार पड़ती है। सेलेक्ट टूल होने के बाद मूव टूल पर क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट एरो की मदद से इस तरीके से यहाँ पर हम ड्रॉप कर देंगे और इसका साइज यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं पेज का। इस तरीके से आपको बताने के लिए, अब पहले की तरह हमको कंट्रोल प्लस टी प्रेस करना है ट्रांसफार्म, और फिर इस तरीके से इसका साइज हमें बढ़ा लेना है। यहाँ पर साइज हम बढ़ा लिए है, साइज बढ़ा लेने के बाद हम इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने का मैं बता दिया, कहाँ पर भी आप ले जाएंगे मेरे माउस को देख लेना, यहाँ पर इस तरीके से मैं रोटेट कर रहा हूँ तो पेज भी रोटेट हो रहा है। इस तरीके से आप देख लेना, रोटेट तो हो गया है। फिर यहाँ पर हम इसका थोड़ा और साइज बढ़ा लेते हैं ताकि और आसानी चले हमारे साथ यहाँ पर। और ऐसा अगर आपका पेज के बाहर ये एंगल जा रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करेंगे, इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप यहाँ पर कंट्रोल पर प्रेस करके रखना है एक फिंगर और इस तरीके से यहाँ पर उसे एडजस्ट करना है। बहुत आसानी के साथ इसे एडजस्ट करते हैं, एक बार आप ट्राई कर लेंगे तो बहुत कम समय के अंदर एडजस्ट कर सकते। इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर ले, पहले एक अप साइज या फिर डाउन साइड का फ्रंट पेज को है ना सेट कर लेंगे तो आसानी के साथ हो जाएगा आपका काम। इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हैं कम समय के अंदर। मैं पूरा प्रोसेस लाइव बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैं स्किप करके स्टॉप करके पॉज करके बता रहा हूँ। यहाँ पर आप कंट्रोल पर प्रेस करके रखना है, धीरे धीरे एडजस्ट करना है इस तरीके से। अभी हमारा पेज पूरी तरीके से सेट होता हुआ नजर आ रहा है। अभी बता देते हैं, हम थोड़ा सा अप्लाई पर क्लिक करेंगे, फिर ब्लर नजर आ रहा है ना, तो अभी उतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई सेट हुआ है या नहीं। फिर उसको हम एक बार क्लिक करेंगे तो समझ आ जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और कैसे करना है। आप यहाँ पर आके एडजस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अभी हम यहाँ पर न्यू टूल पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर ये कैसे नजर आता है अभी देख लेंगे, सेट हुआ या नहीं। नहीं हुआ तो और थोड़ा एडजस्ट कर सकते। अभी सेट नहीं हुआ, ये ऊपर के और में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पर इसे सेट करना पड़ेगा। फिर ये सेट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाता है। अभी मैं इसे सेट करके बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे फिर से एक बार। कंट्रोल प्लस टी प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम इसे एडजस्ट कर सकते बहुत आसानी के साथ। इस तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर लें, यहाँ पर इस एंगल को थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं इस तरीके से, और इसे भी ले लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं। ओके, ये थोड़ा अपसाइज में रहा। ओके, अभी ठीक है, अभी हमारा डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से ओके हो गया। यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते, अप्लाई करने के बाद देख लेते और फिर इसे हम पेज के ऊपर सेट कर देते हैं। थोड़ा बहुत रहा तो आप इसे एडजस्ट कर लेना अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि जब आप लाइव करेंगे जैसे आपका डॉक्यूमेंट है उस तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये जो मैं अभी जो डॉक्यूमेंट पर रहा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इनको एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा समय जाता है हमारा। यहाँ पर इसे सेलेक्ट टूल पर क्लिक करते हैं और इसे सेलेक्ट करते हुए पेज के ऊपर ले जाते हैं इस तरीके से। ये पेज के ऊपर आ गए, यहाँ पर एडिट पर आते हैं, स्टॉक लगा देते हैं यहाँ पर 5 पिक्सल के अंदर इस तरीके से एडजस्ट। यहाँ पर बता देते हैं हम क्या है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की माउस से, ये कीबोर्ड की सहायता से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और आप तो यहाँ पर इस इमेज है, ये तो सिंपल इमेज है, इसको आपको थोड़ा सा वाइट करना है, एडिट करना है, तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट टूल से सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस एम प्रेस करें और इसे आप यहाँ से वाइट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। पर मैं थोड़ा करके बता देता हूँ, ठीक है, ओके। और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में करना, क्योंकि ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
और एक बात मैं बता दूं, ये 4x6 के पेज के ऊपर ही प्रिंट होता है ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा नहीं, ये A4 साइज पर भी होता है। मैं A4 साइज पर भी आपको लेकर बता देता हूँ। यहाँ पर A4 साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, A4 साइज सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर लेने के बाद इसे इसका साइज कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे, और यहाँ पर विथ के अंदर टाइप करेंगे 8.5 सेंटीमीटर, और यहाँ हाइट के अंदर टाइप करेंगे 5.5 सेंटीमीटर, और ओके कर देंगे। ये A4 साइज के पेपर के ऊपर प्रिंट होने के लिए तैयार है, A4 साइज के पेपर के ऊपर। मैं ये भी लेकर बता देता हूँ, इस तरीके से यहां ले लेंगे, इसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, आप यहां से एडजस्ट कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहां पर आपको टाइप करना है 8.5, और यहां पर आपको 5.5 टाइप करना है, और ओके कर देना है, अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लिया। और A4 साइज के अंदर ये प्रिंट होता है, ये पेज A4 साइज का है। अब इसे प्रिंट करना है तो A4 साइज में भी कर सकते हैं, 4x6 के या फिर किसी भी पेज के अंदर। वीडियो को लाइक और